हेलो दोस्तों, कार दुनिया से मैं विनीत फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं महिंद्रा मराजो का बेस एंड वेरिएंट M2। दोस्तों ये गाड़ी है इंडिया की सेफेस्ट MPV, क्योंकि इसको मिली है 4-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग। आज हम बात करेंगे इस गाड़ी के 7-सीटर की। हालांकि दोस्तों उसमें 8-सीटर वेरियंट भी आता है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर आपके सामने खड़ी है ये है 7-सीटर और इसका जो कलर आप चेक कर रहे हैं ओसियनिक ब्लैक। इस समय प्रेजेंट में इसका एक्सोरूम कॉस्ट है 12,42,157 रुपीज़, जो कि UP में ऑन रोड पड़ती है तकरीबन 14,25,000 रुपीज़ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं M2 वेरिएंट मराजो में क्या क्या मिल जाएंगे फीचर्स। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इस गाड़ी की कीज से। तो ये देख लीजिए, ये बेस एंड वेरिएंट है, यानी इसमें आप बहुत ज़्यादा फीचर्स उम्मीद मत करिए। लेकिन देखिए इसमें आपको मैनुअल की मिलेगी फ्लिप की फीचर के साथ, ये देखिए। और मैं आपको बता रहा था फीचर्स तो दोस्तों इसमें कम है, लेकिन मिलती है केबिन में बहुत ही बढ़िया स्पेस। जब गाड़ी के अंदर बैठेंगे तब आपको चेक करवा देंगे। सबसे पहले आप इसका फ्रंट लुक चेक कर लीजिए। तो ये देखिए रेडिएटर ग्रिल डिज़ाइन आपके सामने है। इसमें हेडलैम्प देखिए बड़े साइज़ के दे रखे हैं, मल्टी फोकल रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पे देखिए, हाई बीम लो बीम के दो लैम्प्स दिए हुए हैं और फ्रंट के टर्न इंडिकेटर्स इसी में ब्लिंक कर रहे हैं। फॉग लैम्प्स दोस्तों इसके इस वेरियंट में नहीं आता है। तो चलिए दिखाते हैं इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल। तो यहाँ से देख लीजिए लेंथ, सारे डायमेंशंस स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के फीचर्स की। तो दोस्तों M2 वेरिएंट में फुल व्हील कैप्स नहीं मिलेंगे, ना ही इसमें एलॉय व्हील्स आएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको सेंटर पे हाफ व्हील कैप्स मिल जाएंगे। बाकी व्हील साइज़ देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 215/65 R16 इंच के ये व्हील्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आउटसाइड मिरर्स देखिए काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, जिसमें जब आप गाड़ी के अंदर बैठें तो पीछे की रोड की प्रॉपर विजिबिलिटी दिखाई दे। यहाँ पे देखिए ये नॉन पेंटेड हैं, ब्लैक कलर के हैं। हालांकि कम इसलिए समझ में आ रहे हैं क्योंकि सेम ब्लैक कलर गाड़ी भी आप देख रहे हैं, और उसी में देखिए साइड के टर्न इंडिकेटर्स इस समय ब्लिंक कर रहे हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे हैंडल्स भी जब आप चेक करेंगे तो देखिए ये भी नॉन पेंटेड है, यानी ब्लैक कलर के दिए हुए हैं। तो यहाँ से आपने देख लिया इस गाड़ी को कंप्लीट साइड से। देखिए इसमें 3 ग्लासेस दे रखे हैं, बड़े साइज़ के ग्लास दिए हुए हैं, जिससे जब गाड़ी के अंदर बैठिए तो प्रॉपर आपको बाहर की विजिबिलिटी बनी रहे। फ्यूल इंटेक एरिया देखिए इस तरफ दिया हुआ है, ये गाड़ी सिर्फ डीजल इंजन पर आती है। चलिए आगे हम इस गाड़ी के रियर यानी बैक प्रोफाइल की तरफ, और यहाँ से आप देख लीजिए इसका पीछे का लुक आपके सामने है। यहाँ पे महिंद्रा की आपको एम्बलम मिल जाएगा, मराजो का एम्बलम दिया हुआ है, और M2 जो कि इसके वेरिएंट का नाम है उसका भी एम्बलम मेंशन है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेंगे, और ये पोर्शन जो आप चेक कर रहे हैं ये भी नॉन पेंटेड है। बाकी वाइपर डिफॉगर इस वेरिएंट में नहीं आते, टॉप पे सिर्फ आपको मिल जाएगा हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। तो दोस्तों हमने देख लिया इस गाड़ी को कम्प्लीट एक्सटीरियर से, टेल लैम्प डिज़ाइन भी देख लीजिए बहुत ही खूबसूरत, बड़े साइज़ के इसमें टेल लैम्प्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सटीरियर की होगी बात, चलिए चलते हैं इसके इंटीरियर्स को एक्सप्लोर करने और दिखाते हैं इसकी इंटीरियर कलर थीम और एक एक करके सारी सेटिंग एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों जब मैं अंदर बैठूंगा आप खुद ही समझ जाएंगे मैं बार बार ये चीज़ क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सच में इसमें बहुत स्पेस है। बाकी देखिए कलर थीम आपके सामने है, डुअल टोन कलर इसमें आपको मिलेगा गाड़ी पे, बेज एंड ब्लैक कलर थीम यहाँ पे दी हुई है। मैं ज़रा इग्निशन को ऑन कर देता हूँ और चलते हैं फिर सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने। एक एक रो की सीट को मैं दिखाऊंगा। तो ये यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया है, अब आ जाते हैं सबसे पीछे की साइड और पहले स्टार्ट करते हैं बूट की तरफ से। दोस्तों ओपन कर लेते हैं हम इसके टेल गेट को और दिखाते हैं बूट स्पेस। 5-डोर लॉकिंग के साथ ये गाड़ी आती है, ये देखिए। सबसे पहले आपको सिटिंग बता दूं, ये 7-सीटर मैं आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए सबसे आगे की तरफ 2 लोग इसमें बैठ सकते हैं, बीच में यानी सेकेंड रो पे 2 कैप्टन सीट्स दी हैं। अगर यही गाड़ी 8-सीटर पे होती तो ये पूरी एक सिंगल बेंच सीट होती। इसके अलावा जब आप पीछे की तरफ चेक करेंगे यानी 3rd रो पे, तो यहाँ पे 3 लोगों के बैठने का प्रोविज़न है। इस तरीके से ये बन गई 7-सीटर, और जब सारी सीटें अपनी जगह पर हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसमें आपको मिलेगा 190 लीटर का बूट स्पेस। छोटा बूट स्पेस मिल जाता है जब सभी सीटें अपनी जगह पर रहती हैं, और अगर आप बूट को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोविजंस हैं। कैसे हैं देखिए, सबसे पीछे की जो 3rd रो सीटिंग है ये दी है इसमें 60-40 स्प्लिट पे, जितना सामान रखना है उस हिसाब से रख लीजिए, बैठ सकते हैं। पीछे कोई नहीं बैठा है, लगेज ज़्यादा है तो इसको कर दीजिए और बेंट इस तरीके से, और ये देखिए यहाँ पे इतना लगेज स्पेस निकल आया। और भी जगह बनाना चाहते हैं तो इसकी जो आगे की दोनों सीटें हैं यानी 2nd रो सीट हैं, ये भी बेंट हो जाती हैं, करके मैं आपको चेक करा देता हूँ।
ये देखिए अब तो ये बन गया बहुत ही बड़ा, काफ़ी बड़ा यहाँ पे आप देख सकते हैं लगेज स्पेस को। चलिए सीटें रखते हैं सब अपनी जगह पे और दिखा देते हैं आपको स्पेयर व्हील। तो दोस्तों इस गाड़ी का स्पेयर व्हील यहाँ पे नीचे की तरफ लगा हुआ है। चलिए यहाँ पे पीछे की सारी चीज़ें चेक हो गई, अब चलते हैं केबिन की तरफ, बाकी चीज़ों को करते हैं एक्सप्लोर। तो पीछे की सीटिंग और पीछे का डोर यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। ये देखिए बड़े साइज़ का दोस्तों यहाँ पे डोर मिलता है। इसके अलावा चारों पावर विंडोज इसके बेसेंट वेरिएंट से आते हैं। नीचे तरफ देखिए तो बॉटल होल्डर है और स्पीकर्स इसमें नहीं आएंगे, कंपनी फिटेड, ये आपको एक्सटर्नल लगवाने पड़ेंगे। बाकी सेकेंड रो सीट ये देखिए आपके सामने है, ये दोनों कैप्टन सीट्स हैं। इस पर बैठेंगे हम थोड़ी देर में, पहले जरा आपको इसकी थर्ड रो सीटिंग दिखा दें, क्योंकि दोस्तों हर सेवन सीटर की इंपॉर्टेंट होती है थर्ड रो सीट्स। थर्ड रो में जाने के लिए दोस्तों मैं आ गया इस साइड पे, क्योंकि जो इसकी ये वाली सीट है ये होती है टिप एंड टंबल। देखिए जैसे मैंने इसको किया और ये देखिए फोल्ड हो गई और यहाँ पे जगह बन गया थर्ड रो में जाने के लिए। तो चलिए बैठते हैं इसकी सबसे पीछे की सीटिंग में और देखते हैं कितना कम्फर्ट है। मेरी हाइट है दोस्तों 5'8" और ये देखिए मैं इसमें बैठा हूँ पीछे की तरफ। हालांकि दोस्तों इसकी जो ये सीट है ये स्लाइडर है, तो मैंने इस पोजीशन पे सेट करी है सेकेंड रो सीट की, मैं उसमें भी कंफर्टेबली बैठ जाऊँ। तो यहाँ पे मैं सीट्स का मूवमेंट नहीं करूँगा। और ये देखिए मैं बैठा हूँ उस समय सबसे पीछे वाली सीटिंग पर, और देखिए ठीक ठाक नहीं दोस्तों अच्छा लेगरूम यहाँ पे मिल जाता है। नॉर्मली अगर आप किसी भी जनरली सेवन सीटर पे जाके बैठिए तो थर्ड रो सीटिंग काफ़ी कंजेस्टेड होती है, बट यहाँ पे ऐसा आपको बिल्कुल भी फील नहीं आएगा। इवन अगर इसके जो ग्लासेस चेक करिए, देखिए कितना बड़े साइज़ का इसमें यहाँ पे ग्लास दिया है, जिससे थर्ड रो में अगर कोई बैठा हो तो वो भी बाहर प्रॉपरली देख पाए। और अच्छी चीज़ है ये देखिए इसमें ऊपर सराउंड कूल टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इसकी जो एसी की परफॉर्मेंस है, एसी की कूलिंग है, वो थर्ड रो में भी काफ़ी प्रॉपर आएगी। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें इसकी पीछे की सीटिंग को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बना देती हैं, बैठना काफ़ी इसमें अच्छा लगता है। बाकी ये देखिए इसमें हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी दिए हुए हैं और यहाँ पे देखिए कप होल्डर्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी जो सीटिंग्स है वो मैंने चेक करा दी, जितनी भी आप इसकी अपहोल्स्ट्री चेक कर रहे हैं ये सब इसमें आपको फैब्रिक मटेरियल में मिलेगी। अब एक और अच्छी चीज़ है, ये जब आप सेवन सीटर पर लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये दो कैप्टन सीट्स हैं, यानी यहाँ पे सेंटर पे स्पेस रहेगा। तो अगर आप कोई बीच में बैठा हुआ है पीछे की तरफ और पूरे पैर को फैलाना चाहे तो वो भी आराम से फैला सकता है, तो यहाँ पे कंजेशन आपको कम लगेगा। इसके बाद चलिए सेम पोजिशन पर मैं आ जाता हूँ इसकी सेकेंड रो सीटिंग पर। देखिए यहाँ पर बीच में पैसेज होने से यही फ़ायदा है, मैं डायरेक्टली आ गया सेकेंड रो सीट पर और ये देखिए सेम पोजिशन जैसा पीछे बैठा था वैसे ही आगे आ गया। और यहाँ पर देखिए आपको लेगरूम भी अच्छा मिल जाएगा, यानी सेकेंड एंड थर्ड रो में दोस्तों काफ़ी बढ़िया लेगरूम है। अब यहाँ पे देखिए मैं चाहूँ तो इसको स्लाइड करके पीछे ले जाऊँ, बट पीछे का स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, और चाहूँ तो मैं आगे ले आऊँ। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप इसके लेगरूम को सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चार्जिंग पोर्ट भी दिया हुआ है, USB पोर्ट रखा है, जहाँ से आप डायरेक्टली फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। इस साइड पर देखिए आपको स्पेस मिल जाएगी। ऊपर साइड यहाँ पर देखिए AC को कंट्रोल करने की है यूनिट दे रखी है, और ये दी हुई है देखिए वाइट रंग की केबिन लाइट। ग्रिप्स आप चेक कर लीजिए, ये देखिए फोल्डिंग ग्रिप्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया इस गाड़ी की सेकेंड रो एंड थर्ड रो सीटिंग। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए अब दिखाते हैं आपको ड्राइविंग साइड के डोर को। तो ये देखिए चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, चाइल्ड विंडो लॉक का बटन है, नीचे की तरफ भी आपको स्पेस मिल जाएगी बॉटल को लगाने के लिए, और स्पीकर्स के लिए स्पेस दिया हुआ है। आउटसाइड मिरर्स इसके कंप्लीट मैनुअल हैं, यानी ये फोल्ड भी मैनुअल हैं और इसके एडजस्टमेंट भी आपको इसमें मैनुअल मिलेगा। ड्राइविंग सीट चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हाइट एडजस्टेबल फीचर नहीं है, यानी इसको अप एंड डाउन नहीं कर पाएंगे। आगे की सीटिंग में भी आपको मिल जाएंगे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, यानी तीनों हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं। और यहाँ पे बैठेंगे जब हम तो देखिए इसमें इंडिविजुअल आर्मरेस्ट भी दे रखा है। हालांकि दोस्तों सेकेंड रो सीट में भी आपको इंडिविजुअल सेम तरीके का आर्मरेस्ट मिलता है, तो यहाँ पर अपने कंफर्ट के हिसाब से आप इसको ओपन क्लोज कर सकते हैं। चलिए अब दिखाते हैं हम आपको इसका आगे की साइड से डैशबोर्ड। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं मराजो बेसेंट वेरिएंट M2 डैशबोर्ड, यहाँ से आप चेक कर लीजिए। देखिए इस साइड पे इधर तक देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको स्पेस मिल जाएगी, कप होल्डर्स दिए हुए हैं, और हैंड ब्रेक दोस्तों इसका काफ़ी बढ़िया, ये देखिए इस तरीके का एक हैंड ब्रेक आपको मिल जाएगा।
इसके अलावा डैशबोर्ड जरा आपको थोड़ा सा पास से दिखा दूं, तो ये देखिए ऊपर साइड पे इधर तक यहाँ पे स्पेस दी हुई है, आप यहाँ पे कुछ भी सामान वगैरह को रख सकते हैं। और देखिए कितना बड़े साइज़ का यहाँ पे डैशबोर्ड मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम स्टीयरिंग की बात करेंगे तो ये देखिए इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा। इसमें एक एयरबैग लगा है एज अ सेफ्टी, दूसरा एयरबैग फ्रंट पैसेंजर के सामने यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों इसमें ABS है, EBD है और भी कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं, स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, आप चेक कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हम इस साइड पे, तो यहाँ पे देखिए दो लीवर्स हैं, एक तो ही दिया हुआ है, इसमें हेडलैम्प, बीम एडजस्टर और यहाँ पे देखिए ईको लिखा है। अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो कुछ परसेंट इस गाड़ी का माइलेज बढ़ जाएगा, ये गाड़ी ईको मोड पर ड्राइव होगी। मीटर देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, यहाँ पे पर्पल कलर की लाइट पे मीटर दिया हुआ है। बहुत ही कम गाड़ियों में आपने नोटिस किया होगा कि पर्पल कलर की लाइट्स यहाँ पे मीटर पे मिलती है। बाकी इसमें देखिए यहाँ पे स्पीडोमीटर है एक्सट्रीम राइट पे, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए तो यहाँ पे RPM मीटर है, सेंटर पे मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है जिसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप स्विच करके देख सकते हैं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखिए इसमें आती है, जैसे माइलेज हो गया, डिजिटल क्लॉक है, ट्रिप मीटर्स हो गए, इस तरीके से डोर ओपन है देखिए वो भी इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके सेंटर कंसोल की, तो म्यूज़िक सिस्टम ये जो आप देख रहे हैं ये अलग से फिट किया गया है। इसके बेस एंड वेरियंट में ना ही स्पीकर्स आते हैं ना ही म्यूज़िक सिस्टम आता है, तो यहाँ पर आपकी च्वाइस है। जैसे कि देखिए इसमें टच स्क्रीन सोनी का सिस्टम लगा है, तो आपको जो पसंद है वो आप लगवा सकते हैं। बाकी AC दोस्तों इसमें मिल जाएगा मैनुअल, यहाँ पे देखिए मैनुअल यूनिट दे रखी है, यहीं से रियर AC भी देखिए ऑपरेट होता है और AC को भी आप इको मोड पे चला सकते हैं। बाकी इस तरफ दिखा देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दे रखी है। अगर आपने इसको ऑन करके रखा है, गाड़ी जैसे ही आइडल कंडीशन पर आएगी तो इंजन ऑफ हो जाएगा, क्लच प्रेस करेंगे इंजन वापस स्टार्ट हो जाएगा, तो फ्यूल सेविंग फीचर आपको मिल जाता है। यहाँ पे एक और एक इको मोड दिखा था और एक माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा ये तो जो है एयर बैग के इंडिकेटर्स दे रखे हैं, यहाँ पे हैजार्ड वार्निंग लाइट स्विच मिल जाएगा, सारे इंडिकेटर्स एक साथ ब्लिंक करने लगेंगे। चलिए एक बार आपको ऊपर दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए डे नाइट फीचर के साथ इनसाइड रियर व्यू मिरर है। इस साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे इसमें सनग्लास होल्डर्स नहीं है। बाकी ये देखिए आगे की तरफ भी लाइट मिल जाएगी और वैनिटी मिरर भी है जो कि देखिए शटर के साथ दिया हुआ है। इस साइड पे भी दिखा देता हूँ, तो ये देखिए इस साइड पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देख लिए इसके फीचर्स, चलिए एक बार आपको उसका बॉक्स भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये साइज़ है इसके ग्लव बॉक्स का। तो हो गए दोस्तों इस गाड़ी के सारे फीचर्स हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी एक बेसिक फ़ीचर की रिक्वायरमेंट है वो तो ये गाड़ी कवर कर लेती है। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट है दोस्तों इस गाड़ी का सीटिंग स्पेस। चलिए अब बात करते हैं इसके ट्रांसमिशन की, तो ये गाड़ी आती है ये देखिए 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में। इसमें जैसे ही मैं लगाऊँगा रिवर्स गियर, इस तरीके से देखिए रिवर्स गियर लगाया और यहाँ पे ये जो कैमरा आप देख रहा है ये भी अलग से इसमें लगाया गया है, तो ये आपकी चॉइस है, आप इसमें कैमरा और म्यूजिक सिस्टम हिसाब से लगवा लीजिए तो आपको पीछे का पूरा व्यू आएगा। बट इनबिल्ड यानी कंपनी फिटेड जो है वो ये जो बीप आप सुन रहे हैं ये सेंसर्स की है, ये कंपनी फिटेड आती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देख लिया इस गाड़ी के सारे बढ़िया फीचर्स और बहुत ही बढ़िया है दोस्तों यहाँ पर स्पेस। चलिए अब आपको दिखाता हूँ इसका इंजन, क्योंकि यहाँ से बोनट ओपन होगा। दोस्तों ये है आपके सामने 1.5 लीटर का डीजल इंजन जिसका डिस्प्लेसमेंट है 1497 सीसी का, मैक्सिमम पावर बनाता है 90.2 किलोवाट का, 3500 आरपीएम पे टॉर्क है, 300 एनएम का 1750 से लेके 2500 आरपीएम तक। इसमें माइलेज यानी 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन में जो माइलेज क्लेम है वो है अप्रॉक्स 17 किलोमीटर पर लीटर में। सो दोस्तों आपने देख ली महिंद्रा मराजो का बेस एंड वेरिएंट M2। ज़रूरत की तो सारी चीज़ें दोस्तों इसमें मिल जाती हैं, इसके अलावा यहाँ पे मिलती हैं तीनों रो सीटिंग में बहुत ही बढ़िया स्पेस। इस गाड़ी को कम्प्लीटली मैंने आपको चेक कराया। मराजो के बारे में आपकी क्या राय हमारे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा, ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। दोस्तों पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं अभी तक कार दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस में आपके सामने नए नए वीडियोज़ लाता रहता हूँ तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं बहुत ही जल्द हम अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।